हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल। आजकल जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के देखती हूँ या अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखती हूँ या फिर अपने ईमेल्स चेक करती हूँ तो उनमें मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जिनमें लिखा रहता है कि प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हमें प्रमोट कर दो। इस तरीके के मैसेजेस और इस तरीके के ईमेल्स मेरे को देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि मुझे ही देखने को मिलता है, ऐसे ईमेल्स, ऐसे मैसेजेस, कमेंट्स बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि लोग, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स ऐसा बोलते हैं कि आप उन्हें प्रमोट कर दीजिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं ना उनको कि हमें प्रमोट कर दो, तो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स उठा रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स आपको बोलते हैं कि हमें यहाँ फॉलो कर लो, वहाँ फॉलो कर लो, हम आपको प्रमोट कर देंगे। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स बोलते हैं कि आप हमारे वीडियो देखो, इस वीडियो में आपको कोई कोड मिलेगा या बहुत सारे ऐसे लेटर्स मिलेंगे, वो आपको हमें जो है इंस्टा पे बता देने हैं, हम आपको कर देंगे प्रमोट। इस तरीके की बातें बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स कहते हैं। अब देखिए, जो ये बात लोग कह रहे हैं ना अपने यूट्यूब वीडियो में कि हमारी यूट्यूब वीडियो देखिए, इसमें आपको कोड मिलेंगे या इसमें आपको लेटर्स मिलेंगे, इस तरीके की जो बातें कही जा रही है, इसमें फ़ायदा उन लोगों का है, इसमें फ़ायदा आपका नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जब लोग इस तरीके की बातें कहते हैं यूट्यूब क्रिएटर्स अपनी वीडियो में कि हम आपको प्रमोट करेंगे, इस वीडियो में कोई कोड मिलेगा, लेटर्स मिलेंगे, तो ऐसे करके जो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना चैनल प्रमोट करवाना चाहते हैं या बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो इनकी वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं, यानी कि यहाँ पर इनकी वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ जाते हैं। बहुत ध्यान से लोग वीडियो को देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है, ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा इन लोगों को मिलता है। तो पूरी तरीके से फ़ायदा इन्हीं क्रिएटर्स का होता है, आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरे को नहीं समझ में आता है लोग क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए उन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी ना किसी तरीके से पागल बन जा रहे हैं, है ना। और ये चीज़ रियल में हो रही है। ऐसा नहीं है कि सभी यूट्यूब क्रिएटर्स ऐसे ही हैं, सभी जो है झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे एग्जांपल देखे हैं जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप दूसरे लोगों की, कह सकते हैं, बातों को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप हमें प्रमोट कर दीजिए। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है बात। क्या जब आप YouTube पर आए थे तो आप इसी भरोसे आए थे कि हम अपना चैनल बना लेते हैं, किसी को बोल देंगे कि हमें प्रमोट कर दो और उसके बाद हम YouTube पर छा जाएंगे? क्या इसीलिए आप YouTube पर आए थे? या फिर आप YouTube पर इसलिए आए थे कि हम अपनी मेहनत से अपना कंटेंट लोगों को देंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे अपनी बात को, और लोग हमें जब पसंद करेंगे तो स्वयं ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, स्वयं ही लोग हमें देखने लगेंगे, या इसलिए आए थे? तो देखिए, आपका जवाब होगा सेकंड वाला, कि हम इसलिए आए थे कि हम अपनी मेहनत से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो फिर आप क्यों आप ये हरकतें कर रहे हैं कि मुझे प्रमोट कर दो? कोई क्यों करेगा आपको प्रमोट? किसी को, दूसरे को क्या फ़ायदा मिलेगा? आजकल फ्री में लोग अपना बुखार नहीं देते हैं, और आप सोच रहे हैं कि लोग आपको फ्री में प्रमोट कर देंगे अपना बिना कोई फ़ायदा देके? तो ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, कोई आपको प्रमोट नहीं करेगा, सब अपना फ़ायदा देखेंगे उस चीज़ में। तो ये चीज़ मत करिए। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, मैंने 8 जनवरी 2020 को अपना पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पर, तब से लेके अब तक लगातार वीडियो डाल रही हूँ। बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी, तो बीच में गैप हो गया था, लेकिन कभी मैं ऐसे कोशिश नहीं करती हूँ कि भाई आज छोड़ो, आज मन नहीं है या आज वीडियो नहीं बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं करती हूँ। अगर आप चेक करेंगे ना, 8 जनवरी 2020 से अब तक लेके, पहले दो दिन की डेली की 3 वीडियो डालती थी मैं, कि लोग मेरे को भूल जाएंगे, लोगों को याद नहीं रहेगा कि मैं पायल हूँ, चलो दिन की 3 वीडियो बनाओ डालो। इतनी मेहनत करी है मैंने शुरुआत से लेकर और अब तक करती आ रही हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि कभी चलो मन नहीं कर रहा है, वीडियो मत बनाओ, चलो यार सो जाते हैं। गर्मी में आके इस कमरे में पंखा नहीं है, इतनी मेरे को गर्मी लगती है, आप देख भी सकते हो, चेहरे पर इतना पसीना मेरे को आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, तभी भी डेली आके यहाँ वीडियो बनाती हूँ। मेरा मन नहीं करता क्या ऊपर चले जाओ कूलर पंखे एसी में? मेरा भी तो मन करता है, लेकिन मैं स्टिल यहाँ पे आके डेली अपना वो काम करती हूँ जो मेरे को करना है। बहुत गर्मी लगती है मुझे, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ। 5 मिनट आप में से कोई मेरे साथ यहाँ बैठ के दिखा दो, कोई नहीं बैठ सकता, इतनी गर्मी है इस रूम में। मैं पता है ऐसे कागज लेकर आती हूँ कि जब गर्मी लगेगी तो ऐसे कर लूंगी मैं। तो यार अपनी मेहनत से आगे आओ। मैंने कभी किसी को जाके बोला नहीं है, किसी को मैंने बोला नहीं है मेरे को प्रमोट कर दो, किसी को मैंने मैसेज करके, ईमेल करके, कभी किसी क्रिएटर को ना मैंने अब तक ईमेल किया है, ना मैंने कभी उनको मैसेज किया है कि मेरे को प्रमोट कर दो, कभी भी नहीं। क्योंकि यार अगर हम अपनी मेहनत से आगे नहीं आ सकते ना, तो कोई भी हमको आगे लेकर नहीं आ सकता है। शुरुआत में यही सोचकर अपना काम करते रहिए, अपनी मेहनत से अपना जो है काम देते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए अपनी बात को, कोई दूसरा आपको प्रमोट नहीं कर सकता है। यहाँ पे नहीं चलती वो भाई भतीजा वाली बात, यहाँ पर आपका खुद का कंटेंट बोलता है, यहाँ पर आपकी खुद की मेहनत बोलती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, कितना अपना समय दे रहे हैं, कितनी अपनी मेहनत दे रहे हैं, कितना अपना कॉन्टेंट दे रहे हैं।
वो चीज चलती है यहाँ पर, ये नहीं चलती कि किसने आपको प्रमोट किया है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आपका जो कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, वो बहुत बड़ा यूट्यूब क्रिएटर हो, लेकिन उसके भरोसे आप नहीं बन सकते। आपका खुद का कंटेंट जब अच्छा होगा तभी आप एक अच्छे यूट्यूब क्रिएटर बन पाएंगे। कोई आपका वीडियो जबरदस्ती नहीं देखेगा किसी के कहने पर। लेकिन मेरे को नहीं समझ में आता लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि भाई प्रमोशन से बहुत फायदा हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें प्रमोट कर दो। भाई क्यों अपना नुकसान कर रहे हो पैसों का? पेड़ पे उग रहे हैं क्या पैसे? इतनी मेहनत से पैसे आते हैं और उसको आप ऐसे खर्च कर दोगे अपने प्रमोशन में, जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, आप वो चीज़ कर रहे हो। तो यार ऐसा मत करो, कि कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे, प्लीज ऐसा मत करो। अपनी मेहनत करके आ गया हो, अपना कंटेंट दो, अपनी मेहनत दो। जिन लोगों का तुम लोग देखते हो ना कि वो लोग कितने ऊपर गए हैं आज, जिस भी यूट्यूबर को देख लो, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको देखकर लोग सोचते हैं कि हम भी वहां तक पहुंचे, तो वो अपनी मेहनत से पहुंचे, किसी ने उनको प्रमोट नहीं किया। जो भी बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं लगातार 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, 7-7 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, तब आज वहां पहुंचे हैं। अब मैं लोगों को कभी कभी, मेरा वैसा जब मैं फ्री होती हूँ तो जाके चैनल पे देख भी लेती हूँ कि अच्छा बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। चैनल पे देखती हूँ इतनी कम वीडियो, 100 वीडियो हमारे, हम तो आगे नहीं बढ़ रहे। तो भाई उस पे काम तो करो, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से काम करो, क्यों नहीं आगे बढ़ोगे? जरूर बढ़ोगे, कम से कम काम तो करो। एक दिन में बन जाओगे क्या स्टार? एक दिन में बन जाओगे यूट्यूब पे स्टार? नहीं होता ऐसे। एक दिन में चाहते हो कि थोड़ी सी वीडियो बना के चाहते हैं कि भाई लोग आके हमारे साथ सेल्फी ले, हमारे अगर फेमस होना चाहते हो तो, मैं बता रही हूँ, पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ी वीडियो डाल दी, पैसा नहीं कमा पा रहे यार, कुछ नहीं हो रहा है यार, तो ऐसे नहीं होता है। आपको अपना पूरा 100% याद देना होगा। अगर इस भरोसे रहोगे कोई प्रमोट कर देगा ना, तो कोई प्रमोट नहीं करेगा, ना ही कभी आगे जाओगे। यहाँ इतना कॉम्पिटिशन है ना, लोग आपको ऊपर से रौंद के चले जाएंगे, कोई आपके लिए रुकेगा नहीं यहाँ पे, बहुत कॉम्पिटिशन है। खुद आगे जब तक खुद को अपने आप प्रमोट नहीं कर सकते ना अपने वीडियो से, अपने कंटेंट से, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। थोड़ी सी मैं गुस्सा हो गई बोलते बोलते, क्योंकि यार ऐसा नहीं होता है। कोई क्यों करेगा आपको प्रमोट? और अगर करेगा तो अपने फायदे के लिए करेगा, आपके फायदे के लिए नहीं करेगा। इस चक्कर में मत पड़ो, अपना कॉन्टेंट बनाओ, अपनी मेहनत करो, दूसरे क्रिएटर्स के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। कोई क्यों करेगा आपको प्रमोट? आपका खुद का मन नहीं करता है कि हम अपनी मेहनत से आगे आए? आपको बहुत मजा आएगा अगर आप दूसरा प्रमोट कर रहा है और आप आगे आ जाएंगे तो? नहीं। मेरे अभी जितने सब्सक्राइबर है ना, अगर कम भी है तो भी मैं उनको बहुत ऐसा सीना टोक के बोलती हूँ कि ये मेरी मेहनत के सब्सक्राइबर है। एक भी ऐसा सब्सक्राइबर नहीं है जो सपोर्ट सबसे लिया है, एक भी ऐसा सब्सक्राइबर नहीं है जो किसी को शेयर करके बोला है कि मुझे वो कर दो, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर दो, किसी को नहीं बोला है। जितनी सब्सक्राइबर है अपनी मेहनत से लगातार वीडियोज डाल के इतने सब्सक्राइबर लिए हैं, कभी किसी को बोला नहीं है कि मेरे को वो कर दो, प्रमोट कर दो, या मेरे को जो है सब्सक्राइब कर दो। ना ही कभी किसी दोस्त को बोला है, ना ही रिश्तेदार को बोला है, ना ही कभी फेसबुक पे या किसी ग्रुप में बोला है ये बात मैंने, और ना ही किसी को बोला कि मुझे प्रमोट कर दो। तो यार क्यों नहीं कर सकते हम खुद? हम खुद बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बस हमारे दिमाग में ये चीज़ें प्रमोशन से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। क्यों है ये सोच, मेरे को नहीं समझ में आता है। अपने मेहनत से आगे बढ़ो ना, उस चीज़ का मजा कुछ और है। प्रमोशन से कुछ नहीं होता है। कोई किसी के कहने पर आपकी वीडियो नहीं देखेगा, कोई किसी और के कहने पर आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा, अपना नेट नहीं फूकेगा, आपके व्यूज नहीं बढ़ाएगा। तो ये बात ध्यान में रखो, अपना काम करते रहो, किसी के भरोसे मत रहो कि कोई हमें प्रमोट करेगा। लगातार मेहनत करो, जिन लोगों को आज उस मुकाम पे देख रहे हो ना, उसकी तरह अगर बनना है तो उतना काम करो। सालों तक काम किया है उन लोगों ने, तब वहां पहुंचे हैं, झक मार के बैठे बैठे नहीं पहुंचे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और ऐसे मत बोलिए मेरे को प्रमोट कर दो। बुरा लगता है यार, सारे यूट्यूब क्रिएटर्स इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, ये ठीक नहीं है। फायदा आपका उठाया जा रहा है, मेरा नहीं उठाया जा रहा, फिर भी बुरा लगता है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट होता है और मैं थोड़े से गुस्से में बोल गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हो जाता है कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ मैं ऐसी चीज़ें देख के, तो उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रमोट नहीं करूंगी मैं। चलिए, थैंक यू सो मच।